हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लाई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंग्लिश फ्रेजेस का सेकंड पार्ट है। मेरा नाम है खुशहाली और आप मुझे देख रहे हैं शिक्षा एजुकेशन चैनल पर। तो आइए हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, ताकि पिछले वीडियो में हमने जो कुछ सीखा था वो ताज़ा हो जाए। ये होते हैं वो फ्रेजेस जिन्हें हम कहते हैं फ्रिक्वेंटली यूज्ड फ्रेजेस, जिन्हें हम रोज़ अपनी लाइफ में बार बार यूज़ करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इस टाइप की फ्रेज को इंग्लिश में बोलना आना चाहिए। विद दैट हम नेक्स्ट देखते हैं क्लियर इट। तो हम कई बार देखते हैं कि किसी ने कुछ गिरा दिया है या टेबल बहुत गंदा हुआ है, तो आप किसी से उस जगह को साफ करने के लिए कह सकते हैं क्लियर इट। अगर आप खाना खाते खाते टीवी देख रहे हैं और गलती से आपका हाथ वाटर बॉटल से टकरा जाता है तो पूरा टेबल खराब हो जाता है, तब आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, प्लीज़ क्लियर द टेबल फॉर मी। वेल, क्लियर इट का मतलब होता है साफ करना। द नेक्स्ट वन इज ओ चिल प्लीज। चिल प्लीज का मतलब होता है शांत रहो। जी, जब आपको लगता है कि कोई आपसे गुस्सा हो रहा है या बार बार कुछ बोल रहा है गुस्से में, तो आप उसको रिस्पॉन्स में कह सकते हैं, अरे शांत रहो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। चिल प्लीज, डोंट बी सो एंग्री। ओके, इसको आप तब यूज कर सकते हैं जब कोई आपसे गुस्सा हो रहा है या बेबात पर नाराज हो रहा है, तो आप कह सकते हैं चिल प्लीज। ओके, अगला फ्रेज देखते हैं डजंट मैटर। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई आपको सॉरी बोले और आप कहना चाहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी, वही इट्स ओके वाला बोरिंग आंसर देते हैं, राइट। तो उस इट्स ओके की जगह आप ये न्यू फ्रेज कह सकते हैं कि डजंट मैटर। डजंट मैटर का मतलब होता है कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, या फिर इट्स ओके। ऑलराइट, अब हमारा अगला फ्रेज है गेट ऑफ। स्विच ऑफ का मतलब तो आपको पता ही है कि किसी चीज़ को ऑफ करना, पर यहाँ पर ऑफ का मतलब अलग है। गेट ऑफ का मतलब होता है उतर जाओ। अब जैसे कोई व्यक्ति कोई चेयर पर खड़ा है और लाइट ठीक कर रहा है और आपको लगे कि वो गिरने वाला है या उसकी चेयर गिरने वाली है, तो आप बोलेंगे कि गेट ऑफ द चेयर। ओके, मतलब चेयर से उतर जाओ। आप उन्हें ये भी कह सकते हैं बी कॉशियस, ध्यान रखें और ध्यान से लाइट ठीक करें। ओके, अब हमारी नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं एनीथिंग न्यू। ओके, ये एक सवाल है, क्वेश्चन है। जी, तो जब आप किसी व्यक्ति से बहुत समय बाद मिलते हैं तो आप उनसे क्या पूछ सकते हैं। ओब्वियसली हिंदी में तो आप यही पूछेंगे, और भाई कुछ नया ताज़ा हुआ क्या। जी, इसी फ्रेज को इंग्लिश में बोलना बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ दो वर्ड्स चाहिए, एनीथिंग न्यू मतलब कुछ नया हुआ क्या। ओके, ज़्यादातर इस फ्रेज का जवाब लोग देंगे कुछ खास नहीं, जिनको हम कह सकते हैं नथिंग स्पेशल। अगला फ्रेज है हमारे पास बी सीरियस। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास लोग बहुत मजाक कर रहे होते हैं और शोर मचा रहे होते हैं, हल्ला मचा रहे होते हैं, जैसे कि ऑफिस में आप अगर फ़ोन पर अपने क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं और आपके कॉलिग्स आपके साथ वाले टेबल पर बैठ के थोड़ा शोर मचा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो आप कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, आप कहेंगे कैन यू प्लीज़ बी सीरियस फॉर अ वाइल, या फिर आप कह सकते हैं कैन यू प्लीज़ बी क्वाइट फॉर अ वाइल, मतलब थोड़ी देर के लिए प्लीज़ शोर मत मचाओ, सीरियस रहो, मैं कुछ बात करने की कोशिश कर रही हूँ। वेल, सीरियस का मतलब होता है गंभीर होना। और इसी के साथ लास्ट फ्रेज आज की, और वो मैं आपको कहना चाहती हूँ हैव अ गुड डे। इसका मतलब तो मुझे लगता है आपको पता ही होगा, और आपको नहीं पता है तो इसका मतलब होता है आपका दिन बहुत अच्छा हो। सो हैव अ नाइस डे,
थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए। आई होप इन सभी फ्रेजेस में आपने बहुत कुछ बहुत यूज़फुल सीखा और आप इन सभी फ्रेजेस को डेली रूटीन लाइफ में ज़रूर यूज़ करेंगे। हम जल्द ही मिलेंगे एक न्यू लेसन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।